हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे भरतु दत्ता की लाइफ। और ये देखो, ये रहा हमारा बेबी। तो चलो फिर इसका जल्दी से नाम लिख लेते हैं, और इसका नाम होगा नोबिता। तो चलो दोस्तों, ये देखो अब हम लोग पूरे एक साल के हो चुके हैं। अरे वाह, यानी कि हमारी बर्थ होते हुए एक साल पूरा हो चुका है। तो चलो दोस्तों, ये देखो ये रहे हमारे मम्मी पापा। मुझे तो लगता है ये हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, मम्मी की तरफ या फिर पापा की तरफ? मुझे तो काफी भूख लग रही है और मुझे दूध भी पीना है, इसीलिए मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ। तो फिर चलो जल्दी से मम्मा के पास चलते हैं। अरे वाह मेला क्यूट सा बेबी, आओ मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। तो चलो दोस्तों, ये देखो अब हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब हमें इन सारी चीजों से बचकर अपनी मम्मा के पास जाना होगा। ओके गाइस, अब हमें काफी संभल कर जाना होगा और इन बाल से भी बचना होगा। और ये देखो, अब हम लोग अपनी मम्मा के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपनी मम्मा के पास सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग पूरे 3 साल के हो चुके हैं। तो चलो कुछ ना कुछ शरारत की जाए। अरे वाह, अब तो हम लोग थोड़ा बहुत चल भी सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हमें थोड़ा बहुत खेलने का भी जी चाह रहा है। तो चलो हम लोग किसके साथ खेले, वेज के साथ या फिर स्टोरी नाइट के साथ? तो चलो स्टोरी नाइट को उठाकर इसके साथ खेलते हैं। ओ तेरे की गेंडे, तुमने इसके साथ खेला के इसको तोड़ लिया, अब तो हमारी है नहीं। और ये देखो पापा भी आ चुके हैं। अरे ये क्या बच्चे, तुमने इसको तोड़ दिया? अरे नहीं पापा, मैंने इसे नहीं तोड़ा, इसे तो इस गेंडे ने तोड़ा है। ओ माय गॉड, लगता है डैड का ये खिलौना काफी कीमती था। और अब हम लोग स्कूल तक पहुंच चुके हैं। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा लंच टाइम है, क्यों ना शिजुका के साथ बैठकर लंच कर लिया जाए। अरे वाह, शिजुका के साथ खाकर तो काफी मजा आएगा। शिजुका, क्या तुम हमारे साथ लंच करोगी? तुम लोगों को किसने मना किया है, तुम जब चाहो मेरे साथ खा सकते हो। तो ओके गाइस, ये देखो अब हम लोग लंच करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम लोग पूरे 6 साल के हो चुके हैं। और तेरे की दोस्तों, ये क्या, हमारी मॉम तो हमसे वॉशरूम साफ करने की बात कर रही है। मैं तो ये लैटरिन वगैरह नहीं साफ करने वाला। और तेरे की गाय, लगता है ये भी मुझे खुद ही साफ करनी पड़ेगी। ये लोग कितने जालिम है, हर वक्त मेरे से टॉयलेट साफ करवाते रहते हैं और खुद आराम से बैठ कर चीजें वगैरह खाते हैं। नो बेटा, तुम घबराओ नहीं, चूंकि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे साथ तो हम लोग भी टॉयलेट साफ कर रहे हैं। अरे चीची, मुझे तो लगता है सारे मोहल्ले वाले इसी टॉयलेट को यूज करते हैं। अरे सारे मोहल्ले वाले नहीं, बल्कि इसको तो गेंडा जियान यूज करता है, तभी ये टॉयलेट इतनी गंदी हो चुकी है। मुझे लगता है जियान इसके अंदर कम और बाहर ज्यादा फेंकता है। तो चलो फाइनली हम लोगों ने इसे साफ कर लिया है। ओ तेरी के गाइस, ये देखो हम लोग तो खेलने कूदने के लिए मम्मी पापा के साथ पार्क आए हैं। ओके दोस्तों, वो देखो हमारे कुछ फ्रेंड्स वो खेल रहे हैं, तो चलो हम लोग जल्दी से इन्हें ज्वाइन करते हैं। अरे वाह, वो देखो नबीता भी आ रहा है। दोस्तों ये देखो मैं भी आ चुका हूँ, तो चलो हम लोग थोड़ा कुछ मस्ती करते हैं। ओ तेरी के गाइस, काफी मजा आने वाला है, हम लोग तो इस नहर में खेलकर काफी मजा करने वाले हैं। मैंने सुना यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी शार्क भी होती हैं। ओ तेरी की, ये देखो इतनी बड़ी शार्क हमारे पास आ रही है, भागो यहाँ से। अरे ये क्या, इसने तो हमें अपने अंदर ही ले लिया। ओ माय गॉड, हम लोग तो इसके अंदर आ चुके हैं। अरे गाइस, ये तो अंदर से कितना भयानक लग रहा है। Oh no. हम लोगों ने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। और अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग एक क्राफ्ट बिल्ड करें या फिर इस पंख से इसकी कुजली करें। तो चलो दोस्तों, मेरे पास एक पंख है, हम लोग इस शार्क के अंदर से कुजली करते हैं। अरे ये देखो, इसके पेट के अंदर तो खुजली होना शुरू हो चुकी है। अरे वाह, इसने तो हमें उछाल कर बाहर फेंक दिया। अरे वाह बल्ले बल्ले, हम लोग तो बच गए। तो ओके गाइस, ये देखो अब हम लोग अपने साथियों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और अब हमें इन सारों को पकड़ना होगा। नोबिता, तुम तो मुझे नहीं पकड़ सकते। तो चलो, मैंने शिजुका को तो पकड़ लिया, अब बाकी के ले चुके हैं जियान, सूर्यो और सिलचान। आज तो नोबिता काफी तेज भाग रहा है, इसने मुझे भी पकड़ लिया। नोबिता, आज तुम जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमें नहीं पकड़ सकते। नोबिता कमान, तुम इन्हें पकड़ सकते हो। ओ माय गॉड गाइस, नोबिता तो हमारे बिल्कुल पास है। अरे ये क्या, इसने तो हमें पकड़ ही लिया। तो ओके दोस्तों, ये देखो अब हमारा कुछ मस्ती करने का भी जी चाह रहा है और अब हम लोग जोकर बन चुके हैं, क्यों ना सारों को भाई जाकर डराया जाए। अरे नोबिता, तुम्हें ये कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम पहले भी जोकर ही लग रहे थे। रिपा,
बहुत ही अच्छा जोक मारा तुमने। तो चलो दोस्तों, जो जो अब हमारे आगे आएगा हम लोग उसकी बैंड बजा कर रख देंगे। अरे ये क्या बैटमैन, ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओ तेरे की गाइस, इसने तो हमें जोकर समझ कर मार ही डाला। तो गाइस ये देखो, हम लोग तो अपने पापा के साथ स्विमिंग करने के लिए आया है और हमारी छोटी बहन तो तैर सकती है, लेकिन हम लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी अभी नहीं तैर ही सीख सके। तो चलो अपने पापा के साथ झूठ बोलते हैं, हमें तैरी आ चुकी है। अरे हाँ पापा, हम लोग तो काफी दिनों से आपके साथ यहाँ पर आ रहे हैं और अब हम लोगों ने तैरी सीख ली है। अले देख कर बेटा। अरे दोस्तों तुमने झूठ क्यों बोला, हमें तो तैरी नहीं आती थी और ये देखो हम लोग तो डूब रहे हैं, बचाओ हमें कोई। ओह माय गॉड, बचाओ हमें, हम लोग तो मर जाएंगे। जा बचाओ, मेरा भैया डूब रहा है। तो चलो, जान बची तो लाख हो पाए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपने पापा के साथ मिलकर तैरी सीख लिया और ये देखो अब तो हम लोग काफी तेजी से तैरी कर सकते हैं। अरे बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। लगता है पापा हमें कार में घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। अरे ये क्या, पापा ने तो हमें पैर पकड़ा दिया और कह रहे गाड़ी साफ करो। ओह माय गॉड चीची, ये कार तो काफी गंदी है। दोस्तों मुझे तो लगता है ये कार कहीं से होली खेल कर आई है, क्यों ना गाइस मैंने सही कहा ना। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो जियान कार इसे घुमाने के लिए लेकर गया था। अरे दोस्तों ये क्या, जियान कार घुमाए और इसे हम लोग साफ करें, ये तो काफी बुरा हुआ ना हम लोगों के साथ। तुम लोगों को वैसे भी हमने यहाँ पर सफाई के लिए रखा है। दोस्तों ये जियान तो हर वक्त हमारे साथ बुरा ही करते रहता है, कभी हमसे टॉयलेट साफ करवाता है और कभी कार, ये तो हम लोगों के साथ काफी बुरा हो रहा है। अरे हाँ दोस्तों, नोबिता की बर्तू डेथ लाइफ तो काफी डेंजरस है। तो चलो दोस्तों ये देखो, काफी मेहनत के बाद हम लोगों ने अपनी कार को साफ कर लिया और ये कितनी चिकनी लग रही है। तो चलो दोस्तों अब हम लोग काफी बड़े हो चुके हैं और ये देखो हम लोग तो अपने कॉलेज भी आ चुके हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कॉलेज तो मैंने पहली बार देखा है। देखकर यहाँ पर काफी शरारती लड़के भी हो सकते हैं। अरे ये क्या, इस बॉय ने तो हमें नीचे गिरा दिया। अब तो इस बॉय की हैर नहीं क्योंकि इसने मुझे नीचे गिराया है। अरे हाँ दोस्तों, तो चलो अब हम लोग जल्दी से इसे पीटते हैं। अरे लड़के तुमने हमें नीचे क्यों गिराया था। अरे तुम कल्लू को मारोगे, ये लो तुम्हारी है नहीं। तो तेरे की गाइस अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो चलो इसे मैंने मुक्का मार कर मार ही डाला। अरे वाह, हमारा तो इस कॉलेज में नाम रोशन हो चुका है और ये देखो ये लड़की तो हमारे साथ सेट भी हो चुकी है। तो गाइस ये देखो अब हम लोग पूरे 20 ईयर्स के हो चुके हैं और ये देखो हमने एक लड़की को भी चूज कर लिया है। ओके दोस्तों ये देखो अब हम लोग इसके साथ घूमने फिरने के लिए बाहर आया। अरे ये देखो हमने तो इसको काफी सारी शॉपिंग भी कराई है और अब इसे ज्वेलरी खरीदनी है। ओह माय गॉड गाइस, इसने तो पहले ही हमारा इतना हर्चा करा दिया और अब हमसे ये हीरे की अंगूठी भी मांग रही है। तो चलो इसे हम लोग एक सस्ती सी अंगूठी दिला देते हैं। ये लो शिजुका, तुम्हारी ब्रांड न्यू अंगूठी। अले ये सस्ती अंगूठी को मैं क्या करूं, मुझे तो महंगी अंगूठी चाहिए थी। ओह माय गॉड, लगता है शिजुका हमसे नाराज हो चुकी है। अरे गाइस ये देखो, ये रही शिजुका। शिजुका चलो जल्दी से हमारे साथ आओ। अरे जाओ, मुझे तो नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है, मैं तो इसके साथ जाऊंगी। अरे शिजुका नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कि अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग एक जॉब ढूंढे या फिर इसके पीछे रोए। तो चलो अब हमें एक नई जॉब ढूंढनी होगी। अरे दोस्तों ये देखो, नोबिता तो चाय बनाने वाले बन चुके हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है ना, हमें काफी ढूंढने के बाद सिर्फ एक ही नौकरी मिली है और वो है ये चाय बनाने वाली। ये लो मैम, आपकी इतनी खूबसूरत चाय। अरे बेटा लगता है तुम नए आए हो, तुम्हें चाय का पता ही नहीं है, ऐसी खड़ूस चाय तो मैंने पहली बार पी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग इसके फेस पर चांटा मारे और दूसरा या फिर नीचे से सफाई करें। गाइस देखकर कहिए खड़ूस मैम हमें बाहर ही ना निकाल दे, इसीलिए हमें यहाँ पर से नीचे से सफाई करनी होगी। दोस्तों ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। ओह माय गॉड, मुझे तो किसी ने जमाल कोटा खिला दिया है और अब मेरे पेट में काफी बुरोड़े पड़ रही है। हाँ दोस्तों, ये मैन वॉशरूम तो बंद है और अब हमें जल्दी से गर्ल्स वॉशरूम में जाना होगा। ओ तेरे की गाइस, हम लोग गर्ल्स वॉशरूम में आ चुके हैं, यहाँ पर तो काफी सारी लड़कियाँ हैं। अरे ये देखो भाई, हमारी गर्ल्स वॉशरूम में घुसाया है, मारो इसे। अरे हाँ मारो इसे। तो ओके गाइस ये देखो, हम लोगों ने काफी मेहनत कर एक कार ले ली है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने हमें धोखा दिया था।
अब ये हमारे पास वापस से आना चाहती है। अरे लड़की, धोखा एक बार खाया जाता है बार बार नहीं। चलो हम लोग जल्दी से कार को दौड़ाते हैं। इस लड़की को अब सही से सबक मिल चुका होगा। और अब हमें अपनी मैम ने अपने घर में कुछ काम के लिए बुलाया है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं मैम ने हमें किस काम के लिए बुलाया। हेलो मैम, कैसी है? तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मुझे तुमसे काफी जरूरी काम था, अंदर आओ। ओह माय गॉड, मैम तो कह रही है कि मुझे लग की मसाज करानी है। और तेरी की दोस्तों, हम लोग को इसके नौकर तो नहीं है कि इसकी लग की मसाज करेंगे। अरे मैम, ये खड़ूस काम हमसे नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालती हूँ। और तेरी की गाय, इसलिए तो हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और तेरी की दोस्तों, अब तो हम लोग नौकरी से भी जा चुके हैं और अब हमें भीख मांगनी पड़ रही है। अरे ये क्या, पुलिस यहाँ पर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है पुलिस वाले हमें काफी सारी रकम देंगे। अरे हाँ, मुझे भी यही लगता है। अरे दोस्तों, ये क्या, ये तो कह रहे हैं ये इलीगल काम है और तुम्हें हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। गाइज, ये पुलिस वाले तो अब हमारी काफी चित्रोल करेंगे। ओ तेरी की गाइज, ये जेल तो काफी लंबी है और अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। इसे इन कपड़ों को उतारो और तुम्हें जेल के कपड़े पहने होंगे। अरे क्या क्या, हमें जेल के कपड़े पहने होंगे? हमने तो कोई इलीगल काम भी नहीं किया, लेकिन अब हमें जल्दी से इन दोनों में से कोई एक सूट को चूज करना है। तो चलो इस ब्लैक और व्हाइट वाले को चूज करते हैं। ओ तेरी की, हम लोग तो इस सूट में कितने हैंडसम लग रहे हैं। दोस्तों, एक जेलर की लाइफ गुजारना तो काफी मुश्किल है और तो हम लोग यहाँ पर काफी बोर भी हो रहे हैं। दोस्तों, ये बाबा तो हमें काफी गौर गौर से देख रहा है, कहीं ये हमें जानता तो नहीं है। ये तो हमें कह रहा है कि तुम हमारी मदद करो। तो चलो गाइज, हम लोग अब इसकी कुछ मदद करते हैं। क्या बता, ये हमें कोई सीक्रेट राज ही बता दे यहाँ पर से निकलने का। तो गाइस, ये देखो, अब हम लोगों ने इसकी काफी सारी मदद कर दी है। और हाँ, ये देखो, अब हमें एक सिक्योरिटी ड्राइवर भी मिल चुका है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसे छुपा लेते हैं। अरे हाँ, ये तो काफी काम का होने वाला है। तो चलो दोस्तों, ये देखो, जो हमने सिक्योरिटी ड्राइवर लिया था वो तो काफी काम का था, इससे हम लोग अपना लॉकअप खोल सकते थे। ये देखो, अब हम लोग जल्दी से इसे खोलने के लिए ट्राई करते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग इसे खोल लेते हैं। ओह माय गॉड, लक तुम्हें चैंपियन हूँ। तो चलो दोस्तों, ये देखो, फाइनली मैंने इसे खोल भी लिया है। अरे वाह, ये लॉक तो खुल चुका है। तो चलो अब हमें यहाँ से भागना होगा। दोस्तों देखकर कहीं ये पुलिस वाले हमें मार ही ना डाले। तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो चलो हम लोग जल्दी से इस राइट साइड पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है पुलिस वाले नहीं होंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो साइरन सुनाई दे रहा है, यहाँ पर लगता है पुलिस वाले हैं। और तेरी की, यहाँ पर से तो एक एक नहीं बल्कि तीन तीन पुलिस वाले निकल आए और अब हमें पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये थी हमारी बट टू डेथ तक की लाइफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर इसका पार्ट टू चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।